अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा की इलाहाबाद इकाई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किसानों मजदूरों की एक रैली रेही सड़ुआ गांव में निकाल कर केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान विरोध तीन कानूनों का विरोध किया है। यह कानून आवश्यक वस्तु मंडी समिति व ठेका खेती से संबंधित है और यह विदेशी कंपनियों को गांव की मंडियों में अपनी निजी मंडियां लगाकर खेती की पैदावार, फसल की बिक्री, परिवहन, भंडारण, प्रसंस्करण व बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने की अनुमति देते हैं। इस विरोध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केवल प्रयागराज जिले के यमुना नदी में बालू खनन में नाव से बालू पर प्रतिबंध लगाने के 24 जून 2019 के शासनादेश का भी विरोध किया गया। इस कानून में लाखों बालू मजदूरों को बेरोजगार कर दिया गया है और वे रोजी रोटी कमाने के संकट से गुजर रहे हैं। नेताओं ने योगी सरकार की संवेदनहीनता की निंदा की है। रैली के अंत में इन कानून व सरकार के प्रति विरोध दर्ज कराया गया। सभा में हरिचंद्र पटेल, राकेश सिंह, तिलकधारी यादव, ज्ञान चंद्र यादव, श्याम लाल, कल्लू पटेल, निर्मला देवी, शकुंतला देवी, गुलाब कली, शांति देवी आदि लोग उपस्थित रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज से राम बाबू पटेल की खास रिपोर्ट।